जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम आज बात करने वाले हैं कि आपका गुरु मंत्र क्या है। मुझे बहुत से कमेंट्स इस विषय पर मिलते हैं कि हमारा गुरु मंत्र क्या है, हमने गुरु नहीं बनाया है तो हम क्या करें। तो गुरु मंत्र के रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने सारे प्रश्न हैं, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात कि जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया है, उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहली बात कि वो कोई भी बड़े संत जो उनके एरिया में कोई जो एक मान्यता प्राप्त हो, जो जिनको जिन पर उनको पूर्ण यकीन हो, उन संत महात्मा को वो अपना गुरु दीक्षा लेकर गुरु बना सकता है। दूसरी बात है कि माता पिता है, उन्हें भी बच्चे का वो अघोषित, मतलब हम गुरु मंत्र लेते हैं, वो भी गुरु है हमारे। दूसरी बात, वो गुरु है लेकिन मंत्र दीक्षा और ये जो एक प्रक्रिया है वह हम नहीं कर पाते हैं। पहले एक दौर में होता था, लेकिन आज के इस दौर में ये नहीं होता है। अब मान लीजिए तीसरी बात है कि अगर आपने इन दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो तीसरा ऑप्शन है आप अपने जो भी इष्ट देवता है, चाहे आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उन्हें गुरु बना लें। अब आपने उन्हें गुरु बना लिया तो मंत्र कैसे लेंगे, जो उनका बीज मंत्र है। जैसे हर एक हमारे जो भगवान है उनका एक मंत्र है। जैसे शिव जी का अगर आप कहेंगे ओम नमः शिवाय, गणेश जी का कहेंगे ओम गणेशाय नमः हो गया, और ओम नमः शिवाय, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, माता जी के लिए जय माता दी बहुत से लोग बोलते हैं, राम भगवान के लिए जय श्री राम बोलते हैं, और जितने भी ईश्वर हैं उनका जो भी नाम है, मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं, वही का गुरु मंत्र होगा। अब उसमें एक छुपाने वाली बात यह है कि उसका मंत्र जो जाप है वो मन में हो, बोल बोल कर ना हो तो अच्छा होगा। क्योंकि मंत्र जो है, मंत्र जो मन में जाप करना है आपको, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। अब बात हम करते हैं कि ये चीज हो गई, अब हम उसे इंप्लीमेंट या योग है कि उसे किस तरह से हम चीजों को करें। शुरुआती दौर में अपने मंत्र जप को 15 मिनट 20 मिनट से जप करें। धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत होगा तो उसे आप बढ़ते जाएगा। तीसरी बात, ईश्वर को जैसे हम एक इंसान को ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे ईश्वर को ट्रीटमेंट दे, अपने गुरु को ट्रीटमेंट दे। और जो एक अनुवांशिक चीजें जो हो जाती है अकस्मात, उसे उसकी आज्ञा माने। जो जीवन में घटित, जीवन में जो चीजें हो रही है आने वाली, उसे ईश्वर की आज्ञा माने, हमारे गुरु का आदेश माने। तो आप इन सभी चीजों को फॉलो करें, यही गुरु मंत्र का सत्य है और यही गुरु मंत्र आप बनाए। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर आपकी राय लिखें कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुलकर कमेंट्स लिखें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।